सो फ्रेंड आज हम जानेंगे कि समझो आपने थार एसी में वेटिंग टिकट बुक कराया बट वो जो टिकट है चार्ट प्रीपेड होने के बाद समझो कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, क्या आप वो टिकट को लेके ट्रैवल कर सकते हो? अगर ट्रैवल कर सकते हो तो किस कंडीशन में ट्रैवल कर सकते हो? क्या आपका टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल किया जाएगा? क्या टीटी आपसे फाइन लेंगे? पर फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझो कि आपने ऑनलाइन एक टिकट बुक किए थे वो थार एसी में, समझो कि आपका टिकट चार्ट प्रीपेड होने के बाद समझो कि कन्फर्म नहीं होता है। तो गाइस उस केसेस में क्या होता है कि आपका जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है रेलवे की ओर से। समझो कि आपने वेटिंग टिकट बुक किए थे वो भी ऑनलाइन टिकट बुक किए थे, इस केसेस में क्या होगा, आपका जो टिकट है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और इसका जो पैसा 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपने जहाँ से टिकट बुक किए थे उनका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने खुद बुक किए थे आपका खुद का अकाउंट में चला आएगा, आपने कोई शॉप से टिकट बुक किए थे तो गाइस उनका अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो भी समझो कि आपने वो टिकट को लेके फिर भी ट्रैवल करना चाहते हो, आपने ये सोचे हो कि चलो चार्ट तो प्रीपेड हो गया, अपना टिकट कंफर्म हो या ना हो मैं वो टिकट को लेके ट्रैवल करूँगा, आपने वेटिंग वाले टिकट को लेके एसी में चला जाओगे, समझो कि आपने जो थार एसी का टिकट आपने बुक किए हो वो टिकट चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी अपने टिकट को लेके जाओगे, उस केसेस में क्या होगा, आपका जो टिकट है वो जो टिकट है उसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको बिना टिकट के माना जाएगा, क्योंकि आपने जो टिकट बुक किए थे ऑनलाइन से बुक किए थे वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, यानी कोई टिकट वेटिंग रहेगा तो वैसे रेलवे की ओर से वो टिकट कैंसिल हो जाता है। तो भी आपने थार एसी में जाओगे तो वैसे सिंपल टीटी आपसे बताएंगे कि आपको टिकट दिखाए, जब भी आपने टिकट को दिखाओगे तो गाइस उस केसेस में क्या करेंगे, टीटी आपको सीधा बोलेंगे इसे निकलो और सिंपल चले जाओ स्लीपर कोच में या तो आप डायरेक्टली चले जाओ जनरल में, उस केसेस में आपको ऐसे नहीं भेजेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपको फाइन भरना होगा। आपने सोच रहे हो कि चलो उतार देंगे तो मैं वहीं पे चला जाऊंगा, टीटी आपसे फाइन भी लेंगे। भला टीटी को बताओगे कि सर मैंने टिकट बुक किया, टिकट आपको ही बताएंगे, आपने जहाँ से टिकट बुक किए थे उनसे बात करो, आपने खुद बुक किए तो आपको ही बताएंगे कि आपका अकाउंट में पैसा रिटर्न आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वैसे उस केसेस में आप टिकट को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हो। देखिए और एक कंडीशन है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, समझो कि आपने ऑनलाइन टिकट नहीं बुक किया, आपने रिजर्वेशन काउंटर से अपने थार एसी में वेटिंग टिकट बुक कराया, समझो अपने एक सिंगल परसेंट हो, समझो सिंगल परसेंट अपने अकेला जाना चाहते हो थार एसी में, अपने रिजर्वेशन काउंटर से अपने टिकट बुक किया, इस केसेस में क्या होगा, समझो कि आपने टिकट को लेके एसी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, समझो आपका जो वेटिंग टिकट है चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होता तो टिकट को लेके अपने एसी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट आपको ये देखना है यहाँ वहाँ देखना होगा कि ये सीट में तो कोई पैसेंजर नहीं है, जो सीट में पैसेंजर नहीं रहते तो उसी सीट में आप जाके बैठ सकते हो, ऐसे नहीं आप किसी का भी सीट में जाके बैठोगे आप नीचे लेट जाओगे ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, आपको ये देखना है कि कौन सा बंदा कौन सा पैसेंजर नहीं आया तो गाइस वो सीट के ऊपर जाके आप सो सकते हो बैठ सकते हो कुछ भी कर सकते हो, बट तो भी एक कंडीशन है, समझो कि आपने जो स्टेशन से आपने बैठे वो स्टेशन से तो कोई नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन से समझो कि दूसरा और कोई बंदा आ गया कि बोलते हैं अपना सीट है, तो वैसे उस कंडीशन में आपका जो सीट है छोड़ना होगा। ओके, तो वैसे सिंपल इस केसेस में क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टीटी से बात कर सकते हो कि सर देखिए मैंने काउंटर से वेटिंग टिकट बुक किए थे बट अपना टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, सर देखिए मुझे ये कर दीजिए, देखिए कोई पैसेंजर ना आए तो वो सीट मुझे कंफर्म करा दीजिए। कभी कभार क्या होता है कि कभी सर पैसेंजर की ट्रेन छूट जाता है, ट्रेन नहीं पकड़ पाते, उस केसेस में वो सीट खाली रह जाता है, तो टीटी वो काम कर सकते कि वो जो टिकट है आपको बना के दे सकती है। ओके, उस कंडीशन में तो ये देखिए समझो कि कोई भी सीट खाली नहीं है, पूरा फुल सीट फुल है, ट्रेन में पूरा फुल थार एसी में सीट फुल है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो बस टीटी आपको ही बताएंगे कि कोई सीट खाली नहीं है पूरा, यानी कि ट्रेन ही फुल है, आप क्या कीजिए आप एसी से उतर जाइए डायरेक्ट, आप चला जाइए स्लीपर में या तो जनरल में चला जाइए, आप वो टिकट को लेकर यात्रा तो कर ही सकते हो, आपको स्लीपर में जाना होगा या तो जनरल में जाना होगा। ओके, आप ये नहीं कर सकते एसी में, आप ये नहीं कर सकते तो मैं गली में सो जाऊँगा, ऐसे अलाउ नहीं है, आपने बोलोगे सर मैं गली में सो जाऊंगा चद्दर बद्दर बिछा के तो देखिए स्लीपर की जैसा, तो ये नहीं चलता है, एसी में कोई नहीं कि भीड़ भर नहीं होना चाहिए, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, जितना पैसेंजर वो उनके सही से कंफर्म टिकट होना चाहिए तो ही आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर दिया। और देखिए लास्ट जो कंडीशन है आप जा सकते हो ट्रैवल कर सकते हो, समझो कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक साथ में चार टिकट बुक किए थे, चार टिकट में से समझो कि दो टिकट कन्फर्म हुआ है, दो टिकट कंफर्म हुआ है और देखिए समझ के दो वेटिंग में, तो कैसे इस केसेस में क्या होगा, जो दो टिकट कंफर्म हुआ है वो दो जन के साथ
और दो जन जा सकते हैं। समझो कि आपने एक साथ में दो टिकट बुक किए थे, एक जन का टिकट कंफर्म हुआ है और एक जन का वेटिंग है। समझो कि पूरा फुल कंफर्म हो गया, एक जन का टिकट आरएसी में नहीं, समझो कि पूरा फुल कंफर्म हो गया एक जन का टिकट और एक जन का टिकट वेटिंग में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो वेटिंग, एक जो वेटिंग वाले हैं वो और एक पैसेंजर के साथ जा सकते हैं क्योंकि एक ही पीएनआर के साथ आपने टिकट बुक किए थे, तो इस केसेस में जा सकते हैं। जो कि दो पैसेंजर एक साथ में जा रहे हो, दोनों जन के कंफर्म है और एक जन वेटिंग बनाना चाहते हैं, रिजर्वेशन काउंटर से वेटिंग करते, तो गाइस आप चाहो तो उनको आपके साथ ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाला रिजर्वेशन काउंटर से वेटिंग किए बट आप लोगों के साथ तो ले जा रहे हो ना, तो जा सकते हो। अननोन पर्सन, सिंगल पर्सन नहीं जा सकते हो। और एक कंडीशन है कि समझो कि एक साथ में आपने चार टिकट बुक किया, तो तीन टिकट बुक किए एक साथ में, तीन में से दो जन को कंफर्म हुआ, एक जन को नहीं हुआ। इस केसेस में क्या होगा, आप वो टिकट को लेकर ट्रैवल कर सकते हो। भला आपका चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं हुआ टिकट तो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट बनने के बाद आप कैंसिल करना चाहते हो तो भी वो टिकट को कैंसिल कर सकते हो। कि समझो कि अपने एक साथ में तीन जन जा रहे हो, तीन में से दो जन का टिकट कंफर्म हुआ, चार्ट बनने के बाद एक जन का कंफर्म नहीं हुआ, तो आप चाहो तो एक जन का टिकट कैंसिल कर सकते हो। अपने सोचो कि नहीं कैंसिल करूंगा, दो जन के साथ मैं भी जाऊंगा, तो जा सकते हो, ये टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। लेकिन रिजर्वेशन काउंटर से अपने जो टिकट बुक करते हो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है। वेटिंग टिकट अपने ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो ऑनलाइन टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ओके, तो गाइस मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दिया होगा। ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे।